हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आपका दोस्त आपका होस्ट विमल चटर्जी हाजिर है। तो चलिए आज हम चलते हैं नड़िया रेलवे स्टेशन के सफर पर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरात राज्य का नड़िया शहर का रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही बढ़िया है। आप हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के इंडिया के कोने कोने पे जाने के लिए हर एक ट्रेन यहाँ पे खड़ा रहता है। ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तो चलिए मेरे साथ आज आपको दिखाते हैं नड़ियाद रेलवे स्टेशन। तो वीडियो में पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं नड़ियाद रेलवे स्टेशन का हर एक कोना दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सफर तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके सामने ला सकूँ। और लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। चलिए हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। अभी हम अंदर आ चुके हैं। अभी ये दूर से आपको ये रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बड़ा जगह है। तो अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। चलिए मेरे साथ दिखाते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं। ये जो डिस्प्ले दिख रहा है वहाँ रिजर्वेशन या ट्रेन कौन सा आने वाला है ये दिखाते हैं। और ये अंदर से इधर से जाने का रास्ता है प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए। यानी बाहर से जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए एक रेलवे इंजन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रेन आते हुए भी आपको दिखाएंगे। सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखाएंगे। यानी कहाँ पे रिजर्वेशन होता है वहाँ पर भी दिखाएंगे। देखिए एक ट्रेन का जो इंजन है वो यहाँ पे से छोड़ के जा रहा है। और ये टिकट काउंटर है, ये स्टॉल है और भी बहुत सारे जगह है। तो देखते रहिए मेरे साथ, आनंद लेते रहिए वीडियो का, पूरे अंत तक देखिए जरूर। अभी ये लोकल टिकट काटने के लिए जो काउंटर होता है ये यहाँ पे है। यहाँ पे लोग लाइन लेके टिकट काटते रहते हैं। विंडो खिड़की है जहाँ पे से टिकट आपको मिलता जाएगा लोकल ट्रेनों के लिए। रिजर्वेशन के लिए अलग जगह है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। ट्रेनों का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है। हम तो ट्रेन में बहुत सफ़र किए, आप भी किए होंगे। और ये स्टेशन के बारे में भी आप पूरा जानकारी ले लीजिए, देख लीजिए कि नड़ियाद शहर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है। ये जो है ग्राउंड एरिया है, देखिए ऑटो खड़ा है। और यहाँ से बाहर नड़ियाद सिटी जाने के लिए ये ऑटो वाले जो है लेके जाते हैं। कहीं पे भी आपको जाना हो तो वहाँ पे छोड़ देता है। ये पुलिस का गाड़ी भी सामने खड़ा है। यहाँ आरपीएफ का पुलिस स्टेशन भी है। तो चारों तरफ से आपको बाउंड्री वॉल दिखाई देगा। यानी ये नड़ियाद लिखा हुआ देखिए। ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत ही फर्स्ट क्लास बना है। अभी तो नया तरीके से सब रेलवे स्टेशन को बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है देखने में, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है, दूर दूर से जो लोग आते हैं बाइक लेके, तो ये बाइक यहाँ पे स्टैंड करने के लिए जगह है। और सुविधा बहुत ही अच्छा है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरा वीडियो को जरूर। ये
ऊपर ब्रिज है, ये गोडाउन है रेलवे का, और ये ऊपर ब्रिज से उस तरफ दूसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए रास्ता है। अभी हम आपको ले गए हैं जो रिजर्वेशन काउंटर है, जहाँ पे लोग रिजर्व करते हैं टिकट, वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। और सामने जो रेलवे पुलिस स्टेशन करती है, जो पुलिस स्टेशन है वो भी आपको दिखाते हैं। और देखते रहिए मेरे साथ, आनंद लेते रहिए वीडियो का। अभी देखिए जो दिख रहा है सामने वो RPF का पुलिस स्टेशन है, यानी इधर जो है सब बाइक पार्किंग का एरिया है। और यहाँ जो सामने दिख रहा है, अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे टिकट रिजर्व होता है। टिकट रिजर्व करने के लिए भी बहुत ही अच्छा सुविधा है। देखिए बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे टिकट काटने के लिए जो तत्काल टिकट काटते हैं यानी रिजर्वेशन टिकट काटते हैं उसके लिए आदमी खड़े रहते हैं। और यहाँ पे सुविधा बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अंत तक जरूर बने रहिए वीडियो का, देखते रहिए मेरे साथ, सफर का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है, कौन सा ट्रेन यहाँ पे रुकता है, कितना बजे रुकता है, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसको देख के भी आप कहीं पे जाना हो तो आप देख सकते हो। अभी ये देखिए लोग लाइन में खड़ा है टिकट काटने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से जाता है, बहुत ही अच्छा है। अभी हम प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं, अभी प्लेटफॉर्म के अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा। अभी देखिए एक ट्रेन आ रहा है, ये अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन से जो हावड़ा से लोग अहमदाबाद आते हैं उसके लिए है। तो ये ट्रेन भी देख लीजिए, अभी जब आया मैं तब ये ट्रेन आ ही रहा था, तो देखते रहिए। ट्रेन से बहुत दूर दूर से लोग बहुत एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत यूज करता है। यानी ट्रेन ही एक साधन है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए कहीं भी जाना हो तो ये ट्रेन से ही सस्ता किराया से जा सकता है। मैं तो बहुत ट्रेन में सफर किया हूँ, आप भी किए होंगे। इंडियन रेलवे बहुत ही बड़ा रेलवे है, यानी इसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। नरियाल स्टेशन भी बहुत ही बढ़िया है, एक जंक्शन है, तो हर तरीके का ट्रेन यहाँ रुकता है। देखिए प्लेटफॉर्म का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, तो आनंद लेते रहिए वीडियो देखते रहिए। ट्रेन खड़ा हो गया है, जो लोगों को उतरना है वो लोग उतर जाएंगे, उसके बाद ही ट्रेन अहमदाबाद जाएंगे, इधर से अहमदाबाद जाते हैं। तो जो लोग अभी उतरेंगे वो लोग भी दिखाएंगे आपको, ये लोग यहाँ से आएंगे। अभी हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म घुमा के दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ पूरा वीडियो के अंत तक। ये सामने ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये ओवर ब्रिज से आप दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, वहाँ पे जो ट्रेन रुकता है वो ट्रेन पकड़ने के लिए लोग इसका यूज करते हैं। ये देखिए ये लोग जो अहमदाबाद से हावड़ा जो ट्रेन है उसकी तरफ जो आया था और स्टेशन में जो रुका था उससे ये सब लोग उतरे, यानी बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पे उतर के फिर ऑटो पकड़ के जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। तो मेरे साथ चलते रहिए देखते रहिए ये स्टेशन, अभी दूसरा नंबर के प्लेटफॉर्म की तरफ हम जाएंगे, आपको पूरा घुमा के दिखाएंगे कोने कोने, ताकि कभी भी आप नरियाद आओ तो आपको भी पहले से ही जानकारी मिल जाए। और स्टेशन के बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जगह पे पानी का व्यवस्था स्टॉल लगा हुआ है, चाय वाला वेंडर लोग जो होटल लोग वो लोग अपना सामान ले आते हैं, बेचते रहते हैं।
के तरफ का जो वीडियो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अभी सब कुछ चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर और खास करके गुजरात में तो बहुत ही बढ़िया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।